हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे देखिए हमारा छोटा बानर जो है वो क्या कर रहा है, चीनी निकाल रहा है। और चीनी और नमक का डिब्बा जो है वो मैं रेगुलर ही चेंज करते रहती हूँ, कभी इस डब्बे से उस डब्बे में, उस डब्बे से उस डब्बे में। मतलब चीनी और नमक का डिब्बा हमारे यहाँ जो है वो घुमंतु भोटिया वाला है ना, वही हालत है इनका। और ये पता नहीं कैसे फिर भी इसको पता चल जाता है कि यहाँ है, यहाँ है। जब चाय बनाइए तब जाके देखता है चीनी है इसमें, नहीं चीनी है, नहीं है, नमक है इसमें, नहीं है नमक। और फिर भी एक ना एक दिन तो पता चलना ही है, तो वो देख लेता है और देख लेता है, तो फिर से शुरू हो जाता है। और ये ज़्यादा नहीं रहता है, 15 से 20 दिन रहता है। और यहाँ पे चीनी कम खाता है और गिराता बहुत ज़्यादा है, मतलब इधर ऐसा फैला देता है। और देखिए ये चीनी इसी प्लेट में लेके खा रहा है और इसी प्लेट में डाल रहा है, तो इस तरीके से ये पूरी चीनी जूठी कर देता है। और दोपहर का टाइम है ये, तो मैं जो है वो थोड़ा सा चाय पी करके दोबारा से काम शुरू करती हूँ खाने का, क्योंकि थोड़ा सा लगातार काम हो जाता है तो थकान हो जाती है। और यहाँ पे दाल मैं फैला दी हूँ और ये डब्बे कुछ धो करके मैं रखी हूँ, और यहाँ कपड़े जो है वो सूख रहे हैं। तो आज ढेर सारे कपड़े सूख रहे हैं, बहुत, मतलब धूप अच्छी थी और ऐसे भी गर्मी में बहुत जल्दी से कपड़े सूख रह जाते हैं। और यहाँ मैं निकाल दे रही हूँ खाना, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है तो खाना निकाल दे रही हूँ। और आज मैं बनाई हूँ चावल, दाल और लौकी की सब्जी, पापड़, घी। तो बहुत सिंपल सा खाना है और बहुत सादा सा खाना है, टेस्टी है। तो ये रहा आज का लंच। उसके बाद सीधे शाम में मैं ये कर रही हूँ, तो शाम में क्या है कि कुछ जैसे रोटी में बनाई थी सुबह में नाश्ते में, तो रोटी बच गया था, तो उसी रोटी का मैं जो है कुछ अलग तरीके से बना दे रही हूँ, ताकि सब लोग को थोड़ा थोड़ा हो जाए चाय के साथ और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैं पास्ता पिज्जा सॉस ली हूँ एक रोटी में, और उसके बाद टोमेटो सॉस ली हूँ। यहाँ पे आप लोग चाहे तो हरी चटनी है तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है उससे भी। आलू दाल में ही बॉईल करके मैं रखी थी, तो आलू यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ। प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च अगर आपके पास है तो शिमला मिर्च भी डाले, गाजर है तो गाजर डाले। तो ये सारा खूब बढ़िया से सजा मैं दे रही हूँ इस पर। और उसके बाद फिर इसमें मैं डाल रही हूँ ढेर सारा चीज़, मतलब ढेर सारा नहीं लेकिन हाँ चीज़ मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो और चीज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ मतलब कि हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, और इतना ही हम लोग के लिए सफिशियंट था, मतलब ढेर सारा में इतना ही आ जाता है। तो चीज़ डाली हूँ, कॉर्न डाली हूँ, स्वीट कॉर्न, और चिली फ्लेक्स डाली हूँ, पास्ता पिज्ज़ा सीजनिंग डाली हूँ। और इसमें और भी आप जो चाहें डाल सकते हैं, थोड़ा सा मतलब कि इसमें ऑर्गेनो वगैरह डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाली हूँ। और इसके बाद रोटी को मैं ऐसे फोल्ड कर दी हूँ। अब ये रोटी को थोड़ा सा मतलब कि तेल डाल करके अच्छे से फ्राई कर देंगे, तो ये बहुत बढ़िया सा एक चाय के साथ नाश्ता हो जाता है बची हुई रोटियों का, और पता भी नहीं चलता है कि रोटी बची हुई थी, क्योंकि इतना टेस्टी होता है ना कि फिर रोटी तो सब लोग भूल जाते हैं। तो इसमें आप चाहें तो चना भी डाल सकते हैं, मूंग भी डाल सकते हैं, अपने पसंद की जितनी सब्जियां हैं वो आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस इसको थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे खूब अच्छे से, ताकि अच्छे लगे। और ये देखिए एकदम पैक हो गया है। इसके बाद फिर इसे मैं दो भाग में काट ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो ऐसे ही परोस सकते हैं, बट दो भाग में मैं काट दे रही हूँ, ताकि मतलब खाने के लिए हो तो अच्छे से आराम से ये खाना मतलब खाया जा सके, तो इसलिए मैं इसे दो भाग में काट दे रही हूँ। और ये बहुत टेस्टी बनता है जब भी आपके यहाँ रोटी बच जाए, और शाम का टाइम हो तो ये चाय के साथ इस तरीके से आप बनाएं और इन्जॉय करें, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है और तुरंत बन जाता है। तो ये देखिए हमारा एक तैयार हो गया, अब हम दूसरा इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो एक मैं जो है वो तेल में बनाई थी और एक मैं घी में बना रही हूँ, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि तेल में किसके लिए और घी में किसके लिए। तो बस ये दूसरा वाला जब तक सेका रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी चाय एंजॉय करने जा रही हूँ और आप भी चाय एंजॉय कीजिए, तो ये बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।